अभी हम ना के रेडी हो गए हैं, तो अभी हम जाएंगे मंदिर की ओर, दर्शन करते हैं द्वारकाधीश का, और भूख भी लगा है, तो देखते हैं पहले संजय भाई हमारे क्या बोलेंगे, नाश्ता करेंगे या दर्शन पहले करें? पहले खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर दर्शन करेंगे। अच्छा, ऐसा है। चलो अभी, हाँ, दर्शन करने के लिए तो अपने पास बहुत टाइम ही है आज, तो थोड़ा रात तो रुकना ही है, तो ठीक है, चलो पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, खाना वगैरह, तो बाद में दर्शन कर लेते हैं। तो गाइस अभी जा रहे हैं मंदिर पे, तो ये बाजार का रास्ता है और बाजार में से जाएंगे मंदिर। तो अभी मैं और संजय भाई नाश्ता कर रहे हैं, कपड़ा वगैरह मस्त गर्मा गर्म है, आपको खाना है जबरदस्त, जैसे ही दुकान देखे आ गए। गाइस द्वारका मंदिर के पास हम लोग आ गए हैं और आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है यहाँ पे, तो मोबाइल वगैरह भी सब जमा कराने हैं, लेकिन अभी लाइन ज़्यादा है तो हम लोग अभी जमा नहीं करवाएंगे, साथ में ही रखते हैं, फिर अंदर जाके देखते हैं। तो गाइस ये है द्वारकाधीश मंदिर, और अंदर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए संजय भाई मंदिर में दर्शन करने गए हैं, वो आने के बाद मैं दर्शन करने जाऊंगा। तो द्वारकाधीश जी के मंदिर दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं रुक्मणी देवी मंदिर के दर्शन के लिए, और यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे शिवराजपुर बीच। और अभी हमारे संजय भाई को मैंने गोप्रो पकड़ा दिया है, वीडियो शूट संजय भाई कर रहे हैं, तो यहाँ पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं शिवराजपुर बीच। ये है रुक्मणी देवी मंदिर। द्वारका से 3 किलोमीटर आगे ही रुक्मणी देवी जी का मंदिर है ये, तो अगर आप शिवराजपुर बीच वगैरह जाते हो तो रास्ते में ही आता है। तो गाइस रुक्मणी देवी जी का दर्शन कर लिए हैं हमने, और अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, तो इसलिए बाहर से ही शूटिंग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे शिवराजपुर बीच, तो गाइस मिलते हैं आपको शिवराजपुर बीच पे। तो शिवराजपुर बीच जाने के लिए मैं और संजय भाई निकल गए हैं, और संजय भाई ने गूगल मैप में शिवराजपुर बीच डाल दिया है। अभी रास्ता देख के पता नहीं लग रहा है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, चलो देखते हैं, मैप में तो दिखा रहा है अभी। तो गाइस फाइनली शिवराजपुर बीच हम लोग पहुंच गए हैं, और हमारे संजय भाई ने जो लोकेशन मैप में डाला था शिवराजपुर का, वो रास्ता कोई अलग रास्ता था, वो किसी के घर में जा रहा था। तो अभी हम लोग फाइनल आ गए हैं शिवराजपुर बीच, और रुक्मणी मंदिर से कुछ 10 किलोमीटर जैसा शिवराजपुर बीच है, तो चलो अभी हम लोग, मैं और संजय भाई बीच के ऊपर इंजॉय करेंगे और बोट वगैरह में घूमने जाते हैं। देखो जा रहे हैं अभी बोटिंग करने के लिए, तो बोल रहा है 200 रुपया लेंगे, जाके आते हैं। अभी हम वहाँ आइलैंड साइड में जाने वाले हैं, वहाँ बोटिंग में जाएंगे तो 200 रुपया कुछ चार्जेस है, तो वो भी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितना पब्लिक है यहाँ पे, और राइडिंग का तो मज़ा ही अलग है। अभी बाइक हमने वहाँ पार्किंग में रखी है, और हमारे संजय भाई वहाँ सामने वेट कर रहे हैं हमारा, और ये भाई साहब जो लड़का साथ में खड़ा है वो भाई हमें आइलैंड पे ले जाएगा,
आइलैंड पे हमें बोट में ले जाओगे, कितना चार्ज है? 200 रुपया पर पर्सन। अच्छा, पर पर्सन 200 रुपया, ठीक है। ये भाई साहब क्या नाम है आपका? दीपेश भाई। ये दीपेश भाई है, आप लोग भी शिवराजपुर बीच पे आते हो तो ये दीपेश भाई को मिलो। पर पर्सन का 200 रुपया है और वो राउंड का 100 रुपया है। अच्छा, राउंड का 100 रुपया है, तो आप दीपेश भाई को जरूर मिलिए। और देख सकते हैं आप पूरा पब्लिक, और बहुत अच्छा बीच है। दीपेश भाई हमें उनकी बोट के पास लेके जा रहे हैं और हमें आइलैंड पे लेके जाएंगे, तो पर पर्सन का 200 रुपीस है। इस बोट में हम बैठने वाले हैं, ये जो आप सामने देख सकते हैं ये वाली बोट है। कितना दूर है ये आइलैंड? 2-2 किलोमीटर। कितना? 1-2 किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर। हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? गिरा नहीं दोगे ना? नहीं गिराएगा, कैसे गिरा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा भाई। मेघा भाई, हाँ, तो हमें आइलैंड पे ले जाएंगे ये मेघा भाई, और ये इनकी बोट है। तो वीडियो पूरा देखिए और मज़ा आएगा आपको भी आइलैंड में। हमारे संजय भाई को तो सेफ्टी, ये बात दिक्कत तो जी है तो डूब गए समझो। तो हमें भी सेफ्टी के लिए पहना दिया। वैसे अभी मेघा भाई ले जाएंगे आइलैंड पे, और मैं और संजय भाई बैठ गए हैं बोट में। संजय भाई, हाँ, अभी कैसे आगे क्या फीलिंग हो रही है? तो अभी तो स्टार्ट हुआ है तो कुछ डर नहीं लग रहा है, तो अंदर जाके पता चलेगा क्या फटती है तो क्या होती है। देख सकते हैं कितना क्लीन है, पूरा नीचे तक दिखाई दे रहा है, पूरा क्लीन है, देख सकते हैं। देखिए अभी हमारी बोट धीरे धीरे आराम से जा रही है और पानी के अंदर का जो नज़ारा दिख रहे हैं बढ़िया सा दिख रहा है। तो क्या कौन सा पता बोलते हैं उसको, ये क्या है अंदर से अभी आ चुके थाईलैंड में। थाईलैंड का व्यू देख सकते हो, दरिया में बीचों बीच में है। थाईलैंड है क्या? गाइस आप देख सकते हैं पानी इतना क्लीन है कि पूरा अंदर जो भी है दिखाई पड़ रहा है। और इस बीच पे मैंने ये देखा, बाकी बीचों पे जाते हैं तो कचरा वगैरह बहुत पड़ा रहता है, यहाँ पे एकदम बीच क्लीन है। देखो हमारे संजय भाई भी हाथ में कुछ पकड़ रहे हैं, तो पूरा क्लीन, अंदर हाथ डाल रहे हैं फिर भी क्लीन दिख रहा है, कचरा नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छा और नीट एंड क्लीन बीच है, बहुत हमें भी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये बीच से थोड़ा 2 किलोमीटर दूर जो आइलैंड टापू बोलते हैं वो हमने यहाँ घूम लिया है,
तो अभी हम वापस से जाएंगे सामने बीच के ऊपर। ये बोट में हमारे संजय भाई बैठ रहे हैं, मैं भी अभी बैठ रहा हूँ। हमारे भाटी भाई अभी वापस बोट पे आ रहे हैं। ये आइलैंड पे पूरा घूम लिया है, अच्छा नज़ारा था आइलैंड पे, बढ़िया सा लगा था वो हमको, मगर कोई वो शंख वो सब नहीं मिला है, ढूंढा कुछ नहीं मिला हमको। हाँ पौधे अच्छे अच्छे मिले थे, ग्रीन कलर के अंदर से बहुत अच्छा बीज है और बहुत पानी ग्रीन है, मज़ा आया इधर आके। दोस्तों हम बीच में आइलैंड से घूम के आ गए हैं, जो छोटा सा आइलैंड था, और अभी हम थोड़ा सा और घूमेंगे, बाद में रूम के हो जाएंगे। ये है हसमुख भाई, अभी हम लोग इनकी बोट में ही घूम के आए हैं।